वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन से कि व्हाट इज एन ईटीपी एंड व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट, यानी कि ईटीपी क्या है और इसकी महत्व क्या होती है। तो ईटीपी एक्चुअली इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है, यानी कि इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट आ रहा है उसको ट्रीटमेंट उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि वो जो हार्मफुल वाटर है जिसमें पॉल्यूटेंट है उसको साफ करके हम आगे वाटर बॉडीज में छोड़ सकें, यानी कि नदियाँ या फिर स्ट्रीम्स वगैरह हो गई उसमें छोड़ सकें। ठीक है, इसके फायदे ये है कि हम जो पानी को है रिसाइकल करके उसके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, और पानी की महत्व को हम इससे समझ सकते हैं, यानी कि पानी बचा सकते हैं हम इससे, और इससे पानी का जो खर्चा होने वाला है एक्शन है और पानी खरीदने में, साफ पानी खरीदने में, उसको बचाया जा सकता है। और जो हम इन्वायरमेंट मतलब टू मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ इमिशन और डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्री, यानी कि जो पानी को मतलब जो इफ्लुएंट होता है उसको हम ऐसे ही नेचर में नहीं डिस्चार्ज कर सकते, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसके CUD BUD उसका pH, ठीक है, उसमें सॉलिड्स वगैरह, उसमें जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं उनकी मात्रा है, उनको एक लिमिट होती है, इसके अकॉर्डिंग ही हमें डिस्चार्ज करते हैं, और डायरेक्टली इफ्लुएंट को हम ऐसे डिस्चार्ज नहीं कर सकते, तो इसकी ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, डायग्राम बताना है आपको ईटीपी का। तो ये जो फ्लो डायग्राम होता है ईटीपी जो होती है वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करती है, यानी कि इसमें कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि पहले इक्वलाइजेशन बेसिन है, उसके बाद प्राइमरी क्लेरिफायर है। तो इक्वलाइजेशन बेसिन से क्या होता है, प्राइमरी क्लेरिफायर में जाता है इफ्लुएंट, ठीक है, इसके बाद क्या होता है यहाँ से एरेशन बेसिन में जा रहा है, एरेशन बेसिन में इसका ट्रीटमेंट होता है एरोबिकली, साइड से जो ग्रेविटी के थ्रू इसमें इसमें जा रहा है, ये जो क्लेरिफायर लगा हुआ है यहाँ पे, इसमें जो क्या होता है जो स्लज वगैरह तो नीचे बैठकर एनारोबिक फिल्टर में चल जाता है, एनारोबिक डाइजेस्टर में, जहाँ पे एनारोबिकली इसका डाइजेशन होता है आगे, ठीक है, उसके बाद वो रीयूज होकर वापस प्राइमरी क्लेरिफायर। तो यहाँ पे एक सर्कुलेशन चल रहा है जिसकी वजह से जो COD होती है इफ्लुएंट की वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, ये सेकेंडरी क्लेरिफायर का जो सुपरनेंट होता है वो आगे टर्शियरी ट्रीटमेंट हो सकता है इसमें, ठीक है, ये आपके जो इन्फ्लुएंट है उसके COD पर डिपेंड करता है, और उसके बाद बाहर फाइनली डिस्चार्ज हो जाएगा। किसी किसी इंडस्ट्री में क्या होता है, एनारोबिक जो डाइजेस्टर है ये एरोबिक बेसिन से पहले होता है, ठीक है, ये एक्चुअली ये ज़्यादातर फार्मा इंडस्ट्रीज में होता है, क्योंकि इसमें जो इन्फ्लुएंट आता है उसका COD बहुत ज़्यादा होता है, तो एनारोबिक जो डाइजेस्टर है ये ज़्यादा COD को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री वेरी करता है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द वर्क ऑफ बार स्क्रीन चैम्बर। एक्चुअली बार स्क्रीन चैम्बर एक जाली होती है, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एक जाली है जिसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स या फिर जो ये कागज प्लास्टिक थर्माकोल, ठीक है, पत्ते वगैरह जो आते हैं उसको ट्रैप किया जाता है। ठीक है, इसका फ़ायदा ये है कि इसमें क्या होता है, जैसे ये पार्टिकल्स ये पत्ते वगैरह या कागज ये प्लास्टिक के टुकड़े आते हैं, ये अगर पंप में फंस गए तो पंप आपका जाम हो सकता है, तो जाम से बचने के लिए बार स्क्रीन चैम्बर का यूज़ किया जाता है। ये एक सरिया से बना सकते हैं, कई बार जो मेटल शीट होती है उसको काट कर उसमें ऐसे खाने खाने से बनाकर उससे बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एरोबिक एंड एनारोबिक ट्रीटमेंट। तो बेसिकली जो एरोबिक ट्रीटमेंट होता है, इसको सिंपल भाषा में सर, तो ये एरोबिक जो ट्रीटमेंट होता है इसमें क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका डिग्रेडेशन करता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, एक टैंक होता है जिसमें कि एयर प्रोवाइड की जाती है ब्लोअर के थ्रू, और उसमें एरोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो COD का डाइजेशन करते हैं। अब जैसे कि एनारोबिक डाइजेशन है, एनारोबिक डाइजेशन में क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के जो ऑर्गेनिक मैटर उनका डाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एनारोबिक डाइजेशन में ये बहुत ये एक्चुअली इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है COD को डाइजेस्ट करने में, लेकिन इसका रिजल्ट ज़्यादा आता है, मतलब इसमें ज़्यादा अमाउंट में COD का डाइजेशन होता है। ठीक है, लेस केमिकल है और स्लज प्रोडक्शन इसमें बहुत कम होता है, और इसमें मीथेन गैस भी बनती है जिसको हम एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ सकते हैं, तो मैं बिल्कुल इंग्लिश टू हिंदी आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन MLSS एंड MLVSS। तो MLSS का मतलब होता है मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स। ठीक है, तो MLSS क्या होता है, एक्चुअली इसमें क्या होता है, MLSS में आपका टोटल जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, इसमें आपके
इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी आ सकते हैं, यानी कि कचरा वगैरह हो गया, ठीक है, स्लज वगैरह जो तैर रहा ऊपर जो डेड है, और जो एक्चुअली बैक्टीरिया है, देखा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सस्पेंडेड मैटर्स, इसको मिलाकर MLSS बनता है, और MLVS यानी कि मिक्स लिक्विड वॉलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स, एक्चुअली आपका जो MLVS है यही एक्चुअली आपका बायोमास होता है। देखो MLVS रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बायोमास इन एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है, तो ये डिफरेंस है। MLVS टोटल हो गया, उसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल और जो एक्चुअली आपके बैक्टीरिया वो हो गया, और जो MLVSS है वो एक्चुअली आपका रियल बायोमास है, ठीक है। MLVSS क्यों इम्पॉर्टेंट है? MLVSS इसीलिए इम्पॉर्टेंट क्योंकि MLVSS जो है वो आपका एक्टिवेटेड बायो स्लज है, ठीक है, इसकी वजह से जो आपका ऑर्गेनिक पॉलिटेंट्स है वो डाइजेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, यहाँ पे जैसे कि लिख सकता है, इन द सिंपल टर्म, द मोर द बायोमास कंज्यूम द लोअर द BOD, ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा आपका MLVSS होगा, यानी कि आपके बायोमास होगा, उतना ही आपका COD ज़्यादा कंज्यूम होगी। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज DO, यानी कि डिजोल्व ऑक्सीजन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन अ बॉडी ऑफ वाटर सच एज लेक, रिवर और स्ट्रीम, DO इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ द वाटर बॉडी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये DO डिजोल्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो पानी में डिजोल्व है उसे ही डिजोल्व ऑक्सीजन कहते हैं, ठीक है। अगर डिजोल्व आपके ऑक्सीजन पानी में, अगर ऑक्सीजन डिजोल्व है तो आपका पानी अच्छा है, यानी कि उसकी हेल्थ अच्छी है, तो इसमें जो एक्वाटिक एनिमल्स वगैरह या प्लांट वगैरह तो वो सस्टेन कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। देखो वेस्ट वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक पॉलिटेंट्स डिप्लीट द डिजोल्व ऑक्सीजन एंड मेड लेड टू डेथ ऑफ द, मतलब जैसे कि हम कोई साफ पानी की नदी है या फिर कोई गदेरा वगैरह चल रहा है, अगर उसमें हम वेस्ट वाटर डाल देना तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन उसमें ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो उनकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो DO क्या होता है, सिंपली डिजोल्व ऑक्सीजन है वाटर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इन द केस ऑफ मोर और लेस DO देन डिजायर्ड, व्हाट वुड इट्स एडवर्स इफेक्ट एंड हाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो मतलब आपका DO कम या ज़्यादा हो गया तो इसके क्या नुकसान है और इसे कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। द एरोबिक बैक्टीरिया नीड ऑक्सीजन टू लिव, ठीक है। तो क्या होता है, जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है उनको जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन कम या ज़्यादा होगी तो इससे क्या होगा, बैक्टीरिया जो होते हैं वो डेड हो जाएंगे, यानी कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो सीधी सी बात है वो मर जाएंगे, जिसके वजह से क्या होगा, वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कंज्यूम नहीं होगा, मतलब वो डिग्रेडेड नहीं होगा, तो वो उसका अमाउंट बढ़ता रहेगा, ठीक है। आपका COD बढ़ जाएगा इसकी वजह से, जब खाने बैक्टीरिया, जब बैक्टीरिया नहीं रहे उसमें, ठीक है, तो सीधी सी बात है आपका COD बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो एक आइडल वो है कि आपका जो DO है, ठीक है, वेस्ट वाटर में वो 1.5 ml मिलीग्राम पर लीटर टू 3 mg पर लीटर होना चाहिए, ठीक है। इससे कम ज़्यादा अगर DO कम हो जाता है तो आपको क्या करना है, एरेशन बढ़ाना होगा, तो आपको फीडिंग कम करनी पड़ेगी उसमें, ठीक है। उसमें एक्टिवेटेड स्लज जो है वो ऊपर आने लगा, आपने अक्सर देखा होगा कि आपके जो सेकेंडरी क्लेरिफायर है उसमें स्लज के फ्लॉक्स बन के ऊपर आने लग जाता है, या फिर कभी क्या होता है, स्लज डिस्पर्स फॉर्म में ऊपर आने लग जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो FM रेशियो है वो ज़्यादा हो चुका है। FM रेशियो यानी कि फूड टू मास रेशियो, फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो, ठीक है। तो फूड यानी कि आपने उसमें फीडिंग ज़्यादा कर दी है, आपने इफ्लुएंट ज़्यादा फीड कर दिया, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। तो उसको खाने के चक्कर में क्या, बैक्टीरिया फैल जाते हैं, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है वो एक, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा ऑफन रिजल्ट इन अ पुअर सेटलिंग स्लज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो एक गुड लार्ज डेंस फ्लॉक्स नहीं बना पाते, ठीक है, जिसकी वजह से स्लज फैल जाता है और वो बाहर आने लगता है। टू व्हाट इज फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो, ठीक है, FM रेशियो क्या है, तो FM रेशियो क्या होता है, फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो होता है, यानी कि आपको अगर एरेशन टैंक है उसको सही ढंग से सही तरीके से चलाना है, उसमें जो फीडिंग है और उसमें जो बैक्टीरिया है उनका एक रेशियो होना चाहिए, ठीक है, तो ही आपका वो ढंग से चल पाएगा, नहीं तो क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, फूड ज़्यादा हो गया यानी कि FM रेशियो ज़्यादा हो गया, वेन द FM रेशियो इज हाई यानी कि फूड ज़्यादा हो गया, तो बैक्टीरिया क्या होता है, जब उनको फूड ज़्यादा मिलता है तो बैक्टीरिया रैपिडली ग्रोथ करते हैं, फटाफट से ग्रोथ करना शुरू, बैक्टीरिया विल नॉट फॉर्म अ गुड लार्ज डेंस फ्लॉक्स, फॉर दैट रीजन अ हाई FM रेशियो विल ऑफन रिजल्ट इन अ पुअर सेटलिंग, ठीक है। तो जब क्या होता है, आपको खाना ज़्यादा मिल जाता है उनको, तो वो क्या होता है, वो
फैलने लगते हैं, तो जिसके वजह से क्या होता है वो एक अच्छा सा फ्लॉक्स नहीं बना पाते हैं, ठीक है। उसके वजह से क्या होता है पुअर सेटलिंग होती है, आपने देखा होगा कि सेटलिंग स्लज बैठ नहीं रहा आसानी से, तो इसका मतलब क्या होता है उसमें आपने फीडिंग ज़्यादा कर दी है, ठीक है। ये तो था अगर एफ एम रेशियो हाई है, लेकिन अगर जब एफ एम रेशियो लो होगा तो उसका क्या नुकसान है, मतलब उससे क्या मिलेगा आपको। लेकिन देखो वेन देर इज लेस फूड मीन्स देर आर मैनी माइक्रोजम बट देर इज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड, ओनली वैन द फूड सप्लाई इज लिमिटेड बैक्टीरिया बिगेन टू डेवलप अ थिक स्लिम लेयर लूज देयर मोटिलिटी एंड बिगन्स टू क्लम टूगेदर टू फॉर्म अ डेंस फ्लॉक दैट विल सेटल वेल इन द क्लेरिफायर, ठीक है। तो जब एफ एम रेशियो कम होता है तो उनको क्या होता है, उनको खाने को कम मिलता है तो वो क्या होता है चिपक चिपक के खाना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है वो एक आपस में चिपक जाते हैं और डेंस फ्लॉक बनाते हैं, ठीक है, और वो आसानी से फिर सेटलर में बैठ जाते हैं। देखो आगे जैसे ये एक यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया, एक ग्राफ बनाया गया, इसमें साफ साफ दिखाई दे, यहाँ पे देखो ये है, ये फूड है, ठीक है, यानी कि ये फीडिंग है जो हम ऑर्गेनिक मैटर फीड कर रहे हैं, और ये है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी संख्या। तो देखो जब एफ एम रेशियो हाई है यानी कि फूड ज़्यादा है और बैक्टीरिया कम है, तो क्या होता है बैक्टीरिया ऐसे अलग अलग मतलब डिस्पर्स हो जाते हैं वो, ठीक है, फैल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ अगर एफ एम रेशियो ज़्यादा है आपका तो उसके वजह से भी आपकी सेटलिंग अच्छी नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादा हैं लेकिन फूड कम है, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा बैक्टीरिया फैल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि फूड कम है और तो बैक्टीरिया क्या होगा अलग अलग जगह ढूंढेंगे उसको, मतलब अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझे आपके पास खाना कम है तो लोग उसकी तलाश में ज़्यादा दूर दूर तक जाएंगे, तो इसके वजह से क्या होता है एक गुड सेटलिंग नहीं बनती है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे एक आइडल कंडीशन, यहाँ पे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन वो भी अच्छी है और जो फूड है वो भी अच्छे अमाउंट में है, तो इसके वजह से क्या होता है वो आपस में मिल बांट कर साथ साथ बैठ के खाना शुरू कर देते हैं, डिग्रेडेट करना शुरू कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, इसकी वजह से क्या होता है वो एक डेंस लेयर फॉर्म होती है, ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी सेटलिंग होती है। तो एरोबिक जो आपका एरोबिक बेसिन है उसमें एक एफ एम रेशियो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ डिसबैलेंस ऑफ एफएम रेशियो, ठीक है, तो क्या है, देखो इसके डिसबैलेंसिंग के एफएम रेशियो के बहुत सारे आप देख सकते हैं, इंडिकेशन आपको मिल जाते हैं। द अनयूजुअल चेंजेस शोन इन द एरेशन टैंक एंड सेकेंडरी क्लेवर लाइक एक्सेस फॉर्मिंग, जैसे एक्सेस फॉर्मिंग शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा फॉर्मिंग रुक नहीं रही, तो इसका मतलब क्या होता है आपका एफएम रेशियो बिगड़ गया है, ठीक है, आप देखेंगे कि फॉर्मिंग हो रही है उसमें बहुत स्लज वगैरह निकल रहा है, तो इसका भी वही मतलब है, ठीक है। डीओ बहुत कम हो गया है, डीओ कभी कभी वन से नीचे चले गया है या फिर पॉइंट में आ रहा है, उसका मतलब ये आपका एफएम रेशियो गड़बड़ हुआ है, ठीक है। और जो आपका सुपरनेट आ रहा है सेकेंडरी क्लेरिफायर में वो भी बिल्कुल टर्बिड है, साफ नहीं, क्लियर नहीं है, ठीक है, और या फिर स्लज आने लग जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है जो एफएम रेशियो है वो डिसबैलेंस हुआ है। अगला क्वेश्चन है वाई पीएच बैलेंसिंग इन एटीपी रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको बहुत अक्सर आपके हर उसमें पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, ठीक है। तो क्या होता है ड्यू टू हाई एसिडिक और बेसिक पीएच द बैक्टीरिया आर अनेबल टू परफॉर्म देयर रेगुलर एक्टिविटी, देखिए पीएच जब कभी भी कम ज़्यादा होता है तो बैक्टीरिया क्या होता है वो अपनी जो रेगुलर एक्टिविटी है यानी कि उनका फूड को डिग्रेडेट करना वो नहीं परफॉर्म कर पाते जिस, ठीक है, तो और उनकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि अचानक से अगर पीएच में चेंजेस आया तो उनको पीएच शॉक लोड लग सकता है, हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑयल ग्रीस को अगर सेपरेट ना किया जाए प्रॉपरली तो उसके क्या इफेक्ट होंगे, एक्चुअली इसका आंसर ये है कि फूड जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं ऑर्गेनिक मैटर होता है उन पर फीडिंग करते हैं, ठीक है, और जब ऑयल ग्रीस आपका सेपरेट नहीं होगा तो उसमें क्या होगा जो फूड पार्टिकल होगा ना आपका उस पर ऑयल ग्रीस की लेयर लग जाएगी, चिपक जाएगी, तो फिर बैक्टीरिया ऑयल ग्रीस को कैसे डिग्रेडेट कर पाएगा, उससे तो उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर अगर ऑयल ग्रीस आपका सेपरेट नहीं होगा ना तो उसकी वजह से क्या होगा आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर फीड नहीं कर पाएंगे और भूख की वजह से वो मर जाएंगे, मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि आपको COD, BOD, DO, TSS, TDS, MLI, MLVS, मतलब जो भी आपने अपने रिज्यूम में अपडेट किया है कि आपने ये टेस्ट आप ये एनालिसिस परफॉर्म करते हो उसके बारे में पूछते हैं आपको जरूर, क्योंकि उनको आपको ऐसा बंदा चाहिए जो वो परफॉर्म कर सके एनालिसिस, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या कर रहा, मेरे इससे पहले बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें मैंने ये लैब एनालिसिस आपको बताए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हैं, आप उनको क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं।
ठीक है। और कुछ वीडियो हैं कुछ नहीं बनाई है मैंने, तो मैं अपडेट करूंगा फ्यूचर में। क्वेश्चन है कि आपको ये पूछ सकते हैं कि RS क्या होता है, WS क्या होता है, HRT क्या होता है, VNode का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो RS होता है रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है, जो आपको सेकेंडरी क्लेरिफायर से आप टैंक में वापस रिटर्न करते हो। तो WSS होता है वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज, जिसे हम ड्राइंग स्लज ड्राइंग बेड में वेस्ट कर देते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं होती। HRT क्या होता है, हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम होता है, ठीक है। हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम ये होगी, मतलब जैसे कि आपको कोई टैंक है, ठीक है, वो है 300 KL का, ठीक है, और आपकी जो डेली की फीडिंग है वो 100 KL है, तो आपका जो टैंक का वॉल्यूम है उसे डिवाइड करना है आपको डेली के फीडिंग से। तो 300 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 3, जो 3 आंसर आया है वो है आपका रिटेंशन टाइम, यानी कि 3 दिन का रिटेंशन टाइम है आपका उस टैंक का। अगला वीनोस, वीनोस का क्या होता है, वीनोस एक्चुअली एक टैंक जैसा होता है, उसमें वी शेप्ड मतलब जो टैंक होता है उसका वी शेप आउटलेट होता है, वहाँ से पानी गिरता है, तो वो एक्चुअली फ्लो को मेजर करने के लिए आपका बनाया जाता है। तो अभी तक यही क्वेश्चन थे, अगर आपके कोई क्वेश्चन क्वेरीज वगैरह हो, आप अभी भी कुछ समझ नहीं पाए हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, और ज़रूर चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आप बता सकते हैं मुझे आपको और क्या चाहिए फ्यूचर में, किसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।